अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम लोग नई बतके लेके आए हैं, मेहर भाई हमारे लिए नई बतके लेके आए हैं, तो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बतके हैं, ब्लैक कलर की। तो ये देखे जी, दो बतके हैं और पेयर है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हैं। पहले हमारे पास बड़ी बतके थी, छोटी बतके थी, लेकिन इस तरह की बतके नहीं थी। तो आज माशाल्लाह जी हमारे पास इस तरह की बतके भी आ चुकी है। तो ये दोनों का पेयर है। अली भाई कैसी लगी हैं? बहुत प्यारी हैं, चल कैसे रही हैं देखो। हाँ अली भाई, मेरा तो भाई दिल ही खुश हो गया बतकों को देख के। और माशाल्लाह जी हमारे रैप्टो का हाउस भी इधर रहा। और ये देखिए जी अभी चल रही हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं। अली भाई कैसी लगी हैं बतके? इन दोनों बतकों का क्या नाम रखें आप लोगों ने कमेंट करके जरूर बताना है। चलो चलो चलो, ये रहा जी रैप्टो का कमरा, लेकिन रैप्ट इधर नहीं है। रैबिट वो सामने नजर आ रहा है, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। वो रहे जी नीचे हमारे दो रैबिट, हम मजे से घास खा रहे हैं। बतके तो हमारे पास आ गई हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इनका घर कहाँ पे बनाया जाए। एक ये जगह हमारे पास, उसके बाद इधर भी जगह है, तो अभी समझ नहीं लग रही कि इनका घर कहाँ पे बनाया। अभी अबू बकर भाई से मैं पूछूंगा। और जो हमारी बड़ी बतके हैं वो अभी तक बाहर हैं, उन बतकों ने ये वाली बतके अभी तक नहीं देखी। ये ना हो कि ये दोनों झगड़ा करे, तो अभी देखते हैं क्या बनता है। बड़ी बतके जब आएगी फिर ही पता चलेगा। ये दोनों इधर है और रैबिट माशाल्लाह उधर बैठे हुए हैं। दोनों घास खा रहे थे पहले मजे से, अब उधर बैठे हैं। मैं आया हूँ जी छत पे, अबू बकर भाई को बताने। अबू बकर भाई क्या कर रहा है इधर? क्या हुआ अबू बकर भाई? हम लोग लेके आए हैं जी, मुझे पता लगा, मुझे पता लगा हम लोग नई बतके लेके आए हैं। हाँ अबू बकर भाई, ब्लैक कलर की उमर भाई लेके आया। हाँ। तो तू इधर क्या कर रहा है? यार मैं व्हाइटी के साथ लगा था यार। अबू बकर भाई इनके साथ ही खेलता रहता है, इसको भाई शाम में कर दो। नहीं नासर भाई, इसको कुछ नहीं होता, ये धूप में ही रहता है। धूप में रहता है? हाँ, शेरों को कुछ नहीं होता है। हाँ। तो इनको इधर दाना डाले थे? हाँ, इनको इधर आज मैंने डाले थे, कल वो वाले छत पे थे। हाँ। आज मैं इनको इधर ले आया। दोस्तों ये समझ नहीं चाह रही कि बतकों का क्या नाम, उनका नसबे नाम रहने देते। नहीं नहीं अबू बकर भाई, उनका भी नाम रखना यार। बड़ी बतके भी है फिर छोटी भी है। नसर भाई वो काटती ना हो यार, ये टेंशन ना, जो हमारी बड़ी है वो तो काटती है। नहीं काटते अबू बकर भाई, मुझे पता है यार, मुझे तो डर लग रहा है उनसे। तो देखते हैं दोस्तों उनका क्या नाम रखते हैं। नाम जरूर रखना हम लोग, नाम रखेंगे फिर। ठीक है, सोच के कुछ अच्छा सा नाम रखेंगे। ठीक है ना, आधी मुर्गियां हमारी ऊपर है और आधी मुर्गियां नीचे है। तो ये मुर्गियां पता नहीं क्यों ऊपर बैठती है। तो दोस्तों जो हमारे दो अंडे थे कबूतरों के, वो मुझे लगता है कि खराब हो गए हैं, उनमें से बच्चे नहीं निकल रहे। ये देखें जी कितना बड़ा हो गया ये वाला बच्चा, ये देखें इसके पार भी काफ़ी ज़्यादा आ गया। ये देखें इधर रख देता हूँ। और ये जो अंडे है ये मुझे लगता है कि खराब हो गया है, ये बच्चा बहुत तंग करता कबूतरों को आके, क्या कबूतरों को आके पकड़ता। इनका भी पेयर बना हुआ है, उधर भी पेयर बना हुआ है और इधर भी पेयर बना हुआ है। अंडे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आने वाले हैं और अभी एक ही बच्चा हमारे पास। ये रही जी हमारी फिश। दोस्तों इनका पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, पता नहीं क्या बात है, हम लोग डेली पानी चेंज करते हैं लेकिन फिर भी गंदा हो जाता है। तो अभी चेक करें इसके अंदर किसी ने पत्थर भी फेंक दिया है। ये बच्चा ना, ये जो बच्चा है ये आके तंग करता है मुझे लगता है। तो बार बार हम लोग पानी चेंज करते हैं लेकिन फिर गंदा हो जाता है। तो क्यों लगता है फिश के साथ? तो अभी ये देखे इसने मुझे लगता है कि पत्थर फेंक दिया अंदर। हमारे कबूतरों वाले कमरे के पास ही आज इधर मिस्त्री भी लगे हुए हैं। ये देखे जी इधर काम चल रहा है, ये वाली दीवार प्लस्तर हो रही है, उसके बाद ये देखे जी इधर से भी प्लस्तर हो गया। एक मुर्गी अंडा देने के लिए बैठी हुई है, तो अभी देखते हैं, ये सामने बैठी हुई है, देखते हैं अंडा दिया या नहीं दिया। अभी ऊपर बैठी हुई है। ओ माशाल्लाह जी, ये देखे जी एक अंडा दिया हुआ है, अंडा बहुत ज्यादा गर्म है, मुझे लगता है कि अभी अभी दिया। ओए ना यार क्या कर रहा तू, मुर्गियां बाहर चली जाएंगी। तो ये भी आके तंग करता रहता है मुर्गियों को, चला जा बाहर चला जा, मुर्गियां काटेंगी नहीं। तो आज सिर्फ एक ही मुर्गी ने अंडा दिया, बाकी किसी मुर्गी ने अंडा नहीं दिया। चल बाहर चल बाहर चल। तो अभी दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि मुर्गियां बाहर ना आए। ये देखें दरवाजा ओपन करता हूँ, ओए चलो चलो अंदर चलो। जैसे दरवाजा ओपन करता हूँ सारी मुर्गियां बाहर आने की कोशिश करती हैं, लेकिन इनको बाहर नहीं निकालेंगे। फिर इनको बाहर निकाल दें तो ये फिर हाथ ही नहीं आती। ये ले अंडा और नीचे छोड़ के आ, चल चल अंडा नीचे छोड़ के आ, चल 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 चल। तो देखे कच्चा ही अंडा खा रहा हूँ। ना 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 ना, कच्चा ही अंडा खा रहा है यार, क्या पंगे करता रहता है। नीचे छोड़ के आ, चल चल नीचे छोड़ के आ। दोस्तों हमारी जो सील मुर्गी है सारे बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा लेती है। तो ये देखें जी सारे बच्चे इसके नीचे है लेकिन नजर नहीं आ रहे, तो अभी बाहर निकालेगी। ये देखना काटने के लिए आएगी, काटने के लिए आएगी। उठ जा उठ जा उठ जा, कि सारे बच्चे ये देखें अभी आ रहे हैं बच्चे बाहर काटने के लिए आ रही है मेरी तरफ। देखिए एक बत्तख का बच्चा है, बाकी सारे मुर्गी के बच्चे हैं। दोस्तों अभी मैं हम सारों के घर जाऊंगा और देख के आऊंगा कि उनकी मुर्गी के कितने बच्चे हैं। दोस्तों आज फिर हमारी बड़ी बतकों की शिकायत आई है। चाचू जी घास लेके आ रहे थे, वो बता रहे थे कि ये हमारे खेतों में थी, तो अभी उनको लेके आए हैं। इन बतकों ने बहुत ज्यादा तंग कर दिया है, इनकी शिकायतें ही आती रहती हैं। मैं अबू बकर भाई को कह रहा था कि इनको हवेली से बाहर ना आने दिया करो, लेकिन चलो चलो हवेली चलो हवेली चलो।
अभी इनकी शिकायत आई है, आज फिर शिकायत आ गई है। तो अभी चलो 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 हवेली, चलो हवेली चलो। अब मैं कोशिश करूंगा कि इनको बाहर ना आने दूं। चलो 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 इधर चलो हवेली चलो 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 चलो। ये देखिए जी, यही बतके भी इनकी तरफ देख रही हैं। तो अभी ये ना हो कि लड़ाई करें। तो अभी मैं इधर ही रहता हूँ थोड़ी देर, देखते हैं लड़ाई तो नहीं करती। ये क्या कर रही है, लड़ने की प्लानिंग तो नहीं कर रही? अरे बड़ी बतकों ने बहुत ज़्यादा तंग कर दिया है। ये देखिए जी, और हमारे तित्तर भी माशाल्लाह देखे जी, इनका भी पेहरा बहुत अच्छा है। ये दोनों इकट्ठे रहते हैं। इस टाइम चार चीज़ें हवेली में हैं, ये वाली बतके हैं, वो वाली बतके हैं, खरगोश और तित्तर। चार चीज़ें इस टाइम हमारी हवेली में हैं। ये बतके बाहर जाने की प्लानिंग कर रही है, लेकिन इनको बाहर नहीं निकालेंगे। चलो तुम भी अंदर चलो, अंदर चलो। ओए 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 अंदर चलो, अंदर चलो। ये बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको बाहर नहीं निकालेंगे। चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर। आप इधर ही रहोगे, इधर ही रहोगे। तो मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, ऐसे ये बाहर आ जाती हैं। चलो दरवाज़ा बंद हो गया, ये भी मेरे साथ ही। आज बतकों को अगर बाहर निकालो तो उनकी शिकायतें आती हैं। अब मैं कोशिश करूँगा कि इनको घर में ही रहने दिया करूँ। अली भाई, हम सायों की मुर्गी देख के आए और बच्चे देख के आए। चलो आ जा भाई। चल चल चल, अली भाई और मैं जाएंगे तो देख के आएंगे। चल अली भाई जल्दी से, चल 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 जल्दी चल। वो पता नहीं घर हो गए या नहीं। चल देख तो ले, देखते हैं वो घर है या नहीं है लड़के। चल 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 चल, मुर्गी तो घर ही होगी ना, हमें तो मुर्गी से काम है। हाँ अली भाई घर है? अली भाई मुर्गी अंदर ही है, मुर्गी देख लेते हैं यार, तुमसे पूछ लेते हैं पहले। हाँ ठीक है, तुमसे पूछ लेते हैं। मुर्गी घर ही है लेकिन घर कोई नहीं है। तो अभी हम लोग पूछने जा रहे हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। चल मुझे लगता है हवेली होगी या फिर। हाँ हवेली होंगे, हवेली तो अभी हवेली जा रहे हैं या अपने खेतों में होंगे। हाँ तो लगता है हवेली होंगे, तो अभी हवेली जाके पता करते हैं। तो इधर लोगों ने मुर्गियाँ रखी हुई हैं, वो सारा दिन खेतों में रहती हैं। दोस्तों ये देखे, सारी मुर्गियाँ खेतों में हैं, लोगों की फसल खराब कर रही हैं। अली भाई हमारी मुर्गियाँ घर ही रहती हैं, लोगों की मुर्गियाँ बाहर भाई घूमती फिरती हैं। तो हमारी मुर्गियाँ घर ही रहती हैं। चलो यार अच्छी बात है, वो घूमनी होती, लेकिन हवेली भी बंद है, मुझे कोई नहीं है। खेतों में गए हैं। हाँ दोस्तों, तो अब फिर शाम को देखेंगे। हाँ भाई शाम को पता करेंगे, वो भी घर नहीं है। तो अली भाई ऐसे मुर्गी देखाते हैं यार, वो अच्छा नहीं अच्छा नहीं लगता। चलो यार कल वाला सांप किधर है जो आपने पकड़ा था? वो भाई छोड़ दिया था दोस्तों, हम लोगों ने एक सांप पकड़ा था बोतल में, तो शाम को रात को पकड़ा था, फिर हम लोगों ने सुबह छोड़ दिया। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उससे, तो दिन हुआ जैसे वो हमने छोड़ दिया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वाला व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए आप लोग ने इस व्लॉग को लाइक करना है, और दोस्तों जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोगों ने 1,00,000 सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अलग।